नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। माता धोतनी माता मसानी का प्रयोग शत्रु पर विजय। माता मसानी ऐसी देवी है जो बांध लेती है कुल यहाँ के भूत प्रेत। धोतनी माता दिखाती है साथ में अपनी कला। तांत्रिक और तंत्र के प्रयोग करने वाले भक्त को चोट देने का प्रयोग है। सर्वप्रथम ये निवेदन रहता है कि गुरु सन्निधि में करना, गुरु कृपा के साथ करना। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना, किसी धर्म अथवा किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। अगर मेरे द्वारा दिए गए मंत्र है तो सबसे पहले मेरे से बात करनी, मेरे दोनों पे अरदास लोगों ने तभी इन मंत्रों का प्रयोग करना है। विदाउट परमिशन प्रयोग करते हो और अथवा आपके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है तो भाई रिस्क झोंकों में आंकवा रहता है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है। चैनल अच्छा लगे शेयर जरूर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। बाकी की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। उसके अलावा तीन और चैनल गुरु होना, शिव गुरु क्षण होना, चाहे सिद्ध, बाकी के गुरु मंत्र लेना है, उसके अलावा किसी प्रकार की माला लेनी है, या वो बोलते ना कि कोई और काम है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। एज पर जो भोग सजेशन के हिसाब से जो फ्री वाला फ्री में काम कराया जाता है, जहाँ पे जो भोग खर्चा लगना है वो भोग खर्चा आपको देना ही पड़ता है। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। देखो, माता धोतनी और माता मसानी को अपने प्रयोग में इकट्ठे चलाना, तो आपको पता है इनके थानों पर जाना पड़ेगा। दोनों का थान इकट्ठा होता है। माई धोतनी जो वो भी बंगाल की देवी है और जो माता मसानी है ये बंगाल की ही देवी है। गुरु कृपा के साथ आपने ये प्रयोग करना है। सर्वप्रथम इस प्रयोग में आपको मैं बता दूं, रुद्राक्ष की माला का आपने बोलते ना कि प्रयोग करना है। रुद्राक्ष की माला लेनी है, आपका स्वयं का आसन है, और आपने चिराग लगाना है। आप चिराग एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, अथवा आपने एक चिराग में लेना है वो सबसे बेटर है। नांगे गुरु के धोने पर अरदास लगानी है, गुरु गोरखनाथ महाराज जी के धोने पर अरदास लगानी कि मुझे साधना में सफलता मिले। यो मंत्र दे रहा हूँ ये मंत्र इंटरनेट वाला किताब वाला मंत्र नहीं है, जपना आपने है, कार्य आपने करना है जैसा होगा। इससे क्या होगा कि शत्रु अगर आपके ऊपर बंधन मारता है, आपके कोई चीज़ बांध लेता है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, अथवा किसी के ऊपर तंत्र किया कराया, खासकर मसानी चल रही है किसी के ऊपर, तो ये सारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में शीतला माता की कृपा अथवा इन्हीं में ही बाकी देवी देवताओं का सभी का वास होता है, तो साथ ही इकट्ठी लेकर चलती है। ये मत सोचना कि माई धोतनी की पुकार नीचे तक करेगी, माई धोतनी की पुकार भी इतनी ऊपर तक कि वो भी गुरु गोरखनाथ महाराज तक जाके पुकार पहुँचा देती है। और सर्वप्रथम इनके जोड़े में गोका जार पीर है, वो बोलते ना कि इनके जोड़े में वो बोलते हैं कि पीर फकीर पैगंबर सबल सिंह बोरी केसरमल बोरी है। पांच बाबरी गुरु नांगे गुरु इस्माइल जोगी अथवा पाथरी वाली तो है ही है, दूधनी और पाथरी वाली एक ही है, माँ काली कलकत्ते वाली शमशान भैरव भैरवनाथ और जितनी प्रकार की सारी देवी देवते इनके साथ में चलते हैं। ये प्रयोग तब करा जाता है जब दुश्मन आपको बड़ा तंग करता है, बार बार आपके ऊपर इल्म लगाता है, आपके ऊपर को छोड़ता है, तो ये भगत गद्दी वाला हो तो उसकी गद्दी मांग देती है। क्योंकि माता मसानी जब भी उसका प्रयोग करा जाता है, वो जब वहाँ पे पहुँचती है, उसके पास पहुँचती है, तो क्या करती है माता मसानी, सबसे ज़्यादा उसकी गद्दी गिर्द गिर्द खिलारा डालती है, इतना खिलारा डालती है क्योंकि ये सारा शमशान भूत प्रेत जिन्नात सबको लेकर चलती है। तो ऐसा खिलारा डाले कि देवता अगर स्वच्छ हुआ सात्विक देवता उसको तो उठाई देगी, और ऐसी उठाएगी कि वो गद्दी भी आने के लायक ही नहीं रहेगा। सबसे पहले पितर उठाती है, उसके पितर ही उठा लिए तो सारा सिस्टम ही उठ गया, यानी कि पितर उठ जाएंगे, उसके बुजुर्ग उठ जाएंगे, सेवादार उठ जाएंगे, उसके कुल देवता कुल देवी और नगरखेड़ा बादशाह भी इनके जोड़े में चलता है, क्योंकि नगरखेड़े से इसने स्टार्ट होना है। और मंत्र के जप के दौरान आपको खुद स्वयं पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें चलती, तो मंत्र सुन लो, भोग में आपको आगे बताऊंगा आपने क्या क्या भोग देना, मंत्र सुन लो। मंत्र सतनम आदेश गुरु जी को देश, माई मसान कलर खेड़े दी राणी, नांगे गुरु ध्यावे माई मसानी भागी भागी आवे, जदों बुलावा जिथे बुलावा मन जट हाजिर हो जावे, भूत को प्रेत को बेताल को कलबे को जिन को खबीस को मड़ी को मसान को घोरी को कचील को छड्डी को चढ़ाई को बेजी को लगाई को मौनी को माया को शाया को शिलेंदे को यंत्र को मंत्र को तंत्र को ढाइयो को शिफली अमल को काले इलम को खाकी इलम को बांध बांध बादी को आबी को बादी आबी यंत्र होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बादी को आबी को आतशी को किए कराए गो को पड़े को खिलाए को काट और कटाले मैली माता के हाथ में देकर कील ना करे तो नांगे गुरु की चेली ना कहावे, लूणा चमारी के कुंड में पड़कर गल जाए, लूणा चमारी के कुंड में पड़ी पड़ी सड़ जावे, दोहाई धर्म के राजा श्री रामचंद्र की दोहाई नगर खेड़े की दोहाई तुझे गुरु तेरे नांगे इस्माइल जोगी की। इतना सा ये मंत्र है। मंत्र समझ में ना तो मेरे साथ पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मंत्र लिखा मिल जाएगा। विदाउट अरदास प्रदास अरदास लगाए और अथवा गुरु के बिना सन्निधि में मंत्र का प्रयोग मत करना। मंत्र उगर है ये, और मंत्र थोड़ा सा ये है कि मंत्र
जो है पूर्ण रूप से आपने गुरु स्मृति में रह के करना। इनके जोड़े में नगर खेड़ा से लेके भूत प्रेत जिन्नात जितने प्रकार की बावसों सुर की है सारी नीचे चलती है। और दूसरी बात है कि शीतला माता की बहनें होने के कारण, शीतला माता के कृपा होने के कारण उनके अंडर में चलती है, इसलिए थोड़ी शक्ति होती है। केसमल सवल सिंह इनके दौड़े सफीदो धाम मूर्थल धाम माँ गुड़गामा वाली, ये सारी शक्ति एक साथ ही चलती है। तो पूर्ण रूप से गुरु स्नेध में करना। सामने वाला अगर बार बार छेड़ करता है तो गद्दी वाले भक्त को चोट पहुँचाने का ही मंत्र है। जब आप किसी के ऊपर करते हो, जिसने इलम करा होगा बुरा करा होगा वो मरेगा। और ये सिर्फ आपने जन कल्याण हेतु लगाना है, ना कि अपने प्रयोग में लगाना। मेरा काम जानकारी देना, बाकी की जितनी सर्विस है वो पेड है। सो आदेश जय गुरुनाथ अलख निरंजन।